माइनक्राफ्ट, बट मेरे पास है थेनोस का इन्फिनिटी गाउंटलेट। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अक्ति और आप लोग देख रहे हैं अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले एक ऐसा मोड जिसमें कि हमारे पास है सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन। सो आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक लें, क्योंकि वीडियो तो मस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हमको वो स्ट्रक्चर ढूंढना है जहाँ पे इन्फिनिटी गाउंटलेट मिलेगा। इन्फिनिटी गाउंटलेट तो मिला नहीं, लेकिन ये फ्री की लूट भले ही मिल गई, व्हाइट वूल और एक ये खाने के लिए सामान। तो उसमें लिखा था कि हमारे जहाँ स्पॉन होंगी उसी के आसपास कहीं वो स्ट्रक्चर मिलेगा। ओह वो देखो पीला पीला दिख रहा है ना, वहीं पे मिलेगा हमको सामान इन्फिनिटी गाउंटलेट का। तो देखो चल रहे हैं अभी हम लोग, और देखो यहाँ से मुझको दिख रहे हैं 6 के 6 स्टोन। वो देखो कैसे लगे हैं। ये इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इन्फिनिटी गाउंटलेट ऐसे ही रखा हुआ है क्या? इसको हम हाथ में कैसे पहनेंगे? हम लोग क्या करते हैं, सभी के सभी स्टोन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपना ग्रीन वाला स्टोन निकालते हैं। तो हमारे पास आ चुके हैं सारे के सारे स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन। ये देखो पीले कलर के, नीले कलर के, गुलाबी, लाल, सब नीले आ गए। ये देखो अब इसमें क्या होगा, चेस्ट के अंदर। ओ ये इन्फिनिटी गाउंटलेट है इसके अंदर। सो ये जो इन्फिनिटी गाउंटलेट है देखो बिल्कुल रियलिस्टिक फील दे रहा है। ये देखो कैसे हाथ में बिल्कुल फिट आ गया है। तो इस पर हम लोगों को लगाने पड़ेंगे स्टोन धीरे धीरे करके। सो सबसे पहले लगाते हैं अपना ब्लू स्टोन, फिर लगाएंगे हम लोग अपना येलो स्टोन, उसके बाद लगाएंगे रेड स्टोन, इसको रेड स्टोन बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पिंक स्टोन, और इसको बोलते हैं ऑरेंज स्टोन, इसको बोलते हैं टाइम स्टोन। टाइम स्टोन पता है बस मुझे, और कुछ नहीं पता है, और जितने भी स्टोन है। तो ये देख रहे हो बिल्कुल रियलिस्टिक फील दे रहा है। ऐसे हम लोग ऐसे क्राउच करके ऐसे बैठेंगे तो ये स्टोन बदल देता है। इसको चलाना मुझको कुछ ज़्यादा कायदे से आता नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा देखा था यूट्यूब में कैसे कैसे यूज करना है। तो इसमें स्टोन कैसे चेंज करें, कैप्चर ऑरेंज स्टोन अभी हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें कैप्चर का ऑप्शन है। सो इसमें हम लोग क्राउच कर करके देखो स्टोन बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे क्राउच करेंगे तो सभी स्टोन बदल जाएंगे। तो सबसे पहले अपना ऑरेंज स्टोन ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसमें देखो ऑरेंज स्टोन में रिलीज एंड कैप्चर का ऑप्शन है, मतलब हम लोग किसी को कैप्चर कर सकते हैं, किसी को रिलीज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं कैप्चर का मतलब। कैप्चर का मतलब, अरे यार इसको तो बॉल बना दिया। कैप्चर का मतलब हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। ये देखो इसको भी कैप्चर कर लिया। अभी रिलीज करके देखते हैं कि रिलीज करने पर क्या होगा, और रिलीज करे तो वापस से आ जाएंगे। कॉमन सी बात है यार, रिलीज का मतलब रिलीज, अंदर जाके कैसा लगा सी बैन। तो ये एबिलिटी तो बढ़िया थी यार, हम लोग किसी को भी कैप्चर कर सकते, कोई भी मॉब। तो अगला स्टोन आता है हमारा ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन में भी दो पावर है, एक रिवर्स की, एक स्पीड अप की। स्पीड अप से क्या हुआ, हम लोग स्पीड में चले गए। ओके तो हम लोग स्पीड में ऐसे ऐसे जा सकते हैं। अब रिवर्स वाली एबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। रिवर्स करें तो ये बात, ये छोटू हो गया। ये तो रिवर्स करने पर कोई भी मॉब छोटा हो जाएगा, और अगर स्पीड अप करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसका ये मतलब था, मैं कुछ और ही निकाल रहा हूँ। देखो मुर्गी भी छोटी हो गई। हम लोग कोई भी मॉब को छोटा कर सकते हैं। अब स्पीड अप करेंगे तो ये देखो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाए। चल देखा, इसका ये मतलब था। थैनोस के पास भी क्या मस्त एबिलिटी थी ना, रियल जिंदगी मिल जाए मज़ा आ जाए। ये देखो दोनों के दोनों कैसे छोटे हो गए और अब बड़े हो गए। सो अगला स्टोन आता है अपना येलो स्टोन। येलो स्टोन का देखते हैं क्या मामला है, इसकी क्या एबिलिटी है। यार मैंने एवेंजर्स देखी तो थी, लेकिन मैंने स्टोन पर ध्यान नहीं दिया। ये येलो स्टोन क्या करता है, ये तो कुछ भी नहीं करता। मतलब कुछ तो कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, ये नहीं हो रहा यार इसकी एबिलिटी से। शायद इसकी एबिलिटी से हंगर बार भरते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें खाने की आवाज़ आ रही है मैं जितनी बार एबिलिटी मार रहा हूँ। तो अब बारी आती है अपने पर्पल स्टोन की। पर्पल स्टोन का क्या काम है, डिटोनेट। डिटोनेट मतलब, यार इतनी अंग्रेजी नहीं आती मुझको। डिटोनेट से ये कुछ आ गए, तीन कीड़े आ गए। कीड़े ये क्या है, मतलब जो अरे मैंने दबाया, क्या हो गया, ये मैं मर गया। अबे कहाँ पे स्पॉन कर दिया यार। सो ये रहा अपना गाउंटलेट, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा, मैं जितना मार रहा हूँ मरता जा रहा है, उठ क्यों नहीं रहा यार। अब इसको उठा नहीं पाएंगे क्या, इसको उठाएंगे कैसे। 1000 years later फाइनली हमको हमारा गाउंटलेट मिल गया, और हम लोगों ने कोई एबिलिटी ऑन कर दी। पर्पल स्टोन की एबिलिटी थी ये स्ट्रेंथ बूस्ट करके कोई एबिलिटी थी, हमको स्ट्रेंथ 3 दे दिया। सो अब और कोई स्टोन की एबिलिटी ट्राई करते हैं, रेड स्टोन की एबिलिटी ट्राई करते हैं। इसका क्या, इसका शायद सोल लेना काम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सोल लेना काम होगा। रेड स्टोन की एक ही एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने की, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, कैसे करें। ओहो गया, इसको तो ऑब्सीडियन बना दिया, ट्रांसफॉर्म करके ऑब्सीडियन बना दिया। मुझे लगा उसकी सोल ले लेगा यार। इसको भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये क्या बनता है।
और इसको ट्रांसफॉर्म करे तो ये क्या बन, ये भी ऑब्सीडियन ही बनता, मतलब सबको सबको ऑब्सीडियन बना देता है ये, बस इतना ही करता है। ऑब्सीडियन बना देता है मतलब पत्थर का बना देता है। अब रियल में होता तो कुछ और होता, माइनक्राफ्ट में वो ब्लॉक बनते हैं। सोरेड स्टोन की एबिलिटी अच्छी तो थी पर इसमें एक ही एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म की, तो अब बारी आती है अपने सबसे पावरफुल स्टोन की, ब्लू स्टोन। तो देखो इसकी पहली एबिलिटी सेलेक्ट कर रखी है मैंने, तो इसको हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं इससे। ये देखो बस हो गया, इतना ही लिफ्ट था। अरे और थोड़ा लिफ्ट करो यार, मुझे दूर तक ले जाना हो तो बस इतने के लिए क्या लिफ्ट करना। ये देखो यार थोड़ा सा उठा रहा, बस रख दे रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ तो जिसका आप लोगों का इंतजार था वो वाली एबिलिटी आ चुकी है, डिस्ट्रॉय मून, मतलब पूरा का पूरा प्लेनेट फेंक के मारता है। तो मैं बिल्कुल ताल ठोक के कह सकता हूँ कि ये एबिलिटी एक नंबर होगी। तो डिस्ट्रॉय मून सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको बस क्लिक करना है, देखना पूरा का पूरा प्लेनेट आके कैसे गिरता है। अरे ओ ओ ओ, 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 ओ। अरे प्लेनेट बोला था मेरे सर पे गिराने को नहीं कहा था यार, अच्छा हुआ समय पे भाग गया। ये देखो पूरा का पूरा मून ही टूट के गिरने लग गया है। ये लो मून मर भी गया, इतना छोटा प्लेनेट कौन सा होता है यार, मून इतना छोटा है क्या पृथ्वी से। ये देखो कितनी आग पे आग लग गई यहाँ पे। तो अब आखिरी पावर ट्राई करते हैं। सो स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिए मैंने, ये तो मामला फंस गया। और 2000 years later सो मेन एबिलिटी दिखाना आपको भूल ही गया, स्नैप की। स्नैप वही जिसने पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म कर दी थी एक बार में, मतलब पूरी नहीं आधी दुनिया ख़त्म कर दी थी। ये देखो मैंने इसको स्नैप किया और ये क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया, नहीं धुआं धुआं नहीं, धूल धूल हो गया। अरे भाई हैं, अरे मुर्गी कैसे बच गई, दो दो मुर्गियाँ बच गई। ये लो इसको भी स्नैप कर देते हैं। अरे यार इस स्नैप का रेंज कम है, आखिर है तो माइनक्राफ्ट ही ना। सो अभी थोड़ी देर में मेरे ऊपर पूरा का पूरा प्लेनेट गिरने वाला है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।